आपने जिंगर बर्गर और जिंगर शवारमा के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको देसी बर्गर के बारे में बताएंगे जिसे बन प्लस्तर कहा जाता है। खाने में ये लजीज बन प्लस्तर इस कदर मशहूर है कि लोग दूर दूर से सांदा में वाकया इस दुकान पर आते हैं। ये बन होता है, मक्खन होता है, अंडा होता है, इसका अंडा फ्राई होता है, और शामी कबाब होता है, चिकन होता है, काली मिर्च और नमक डालते हैं, इसको पकड़ के आ रहे हैं, लाइट वेट होता है, लोग दो दो तीन तीन चार खाए होते हैं, 70 रुपये है, जो स्पेशल होगा 90 रुपये है। कारोबार होता है, स्टार्ट किया खाबों के शौकीन अफराद का कहना है कि वो अपनी कॉलेज लाइफ से यहाँ से बन प्लस्तर खा रहे हैं। इसका जायका इतना मजेदार है कि कोई भी शख्स 2 से 3 बन प्लस्तर आसानी से खा सकता है। हम यहाँ पे तकरीबन 12 साल से आ रहे हैं, क्योंकि हम सेशन कोर्ट के एम्प्लॉय हैं और हमारे करीब ही नियरेस्ट यही लगता है, और हमारी तालीम भी जो है वो एमयू कॉलेज से रही है, तो हम उससे पहले 2009 से तकरीबन हम यहाँ पर आ रहे हैं सबसे खाने के लिए। जम्स फ्री है, ठीक है, मक्खन के साथ तैयार किया जाता है, एग होता है इसमें, कोई बाहर की एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डाली जाती जो कि हमें नुकसान करें, इसलिए लाइट से भी भूख हो या हैवी हो तो हम कोशिश करते हैं ये खाना। मैंने 3 तक खाई, अपडेट करें नहीं, तकरीबन जो चल रहा है माशाल्लाह बहुत बेस्ट है, स्टार्टिंग से खा रहे हैं और वो हमें काफ़ी टेस्टी लगता है, तभी हम स्पेशली इनके पास ही आते हैं। बन प्लस्तर बाकी बर्गरों से इसलिए भी मुख्तलिफ होता है कि ये देसी मक्खन से तैयार किया जाता है, जो इसके जायके को और भी मुनफरिद बना देता है। जी, मैं 1989 में हमने मैट्रिकुलेशन किया था, तो मैट्रिक के बाद हमने एमए कॉलेज में एडमिशन लिया था। वैसे मेरी कैंट में रहायश है, पढ़ाई मेरी यहाँ पर स्टडी थी, तो उस वक्त से ये 89 के अंदर से, यानी कि 90 से ये बन प्लस्तर जो है यहाँ इनका बड़ा मशहूर है। कॉलेज के स्टूडेंट्स हम लोग भी बड़े शौक से यहाँ पे आते थे, फिर जब कॉलेज को हमने छोड़ा उसके बाद भी हम लोग यहाँ पे दोस्तों के साथ यहाँ पे आते रहे। इनकी स्पेशलिटी जो है जी, ये जो मक्खन और उसका जो बना के कम्बिनेशन करके ये देते हैं बन प्लस्तर, इनका टेस्ट मेरा ख्याल लाहौर में और भी शॉप्स होगी, लेकिन ये अबाई एक बहुत पुरानी ये इसकी एक तारीख है इस दुकान की, अभी तो ये बड़ी हो चुकी है। जब हम लोग यहाँ पे आते थे बिल्कुल छोटा सा एक कोका से होता था, उस वक्त भी इनका रश का यही इनका होता था, और माशाल्लाह इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेल भी है और इनका टेस्ट भी है। अभी वो अभी जब हम यंग एज में भी एंट्री हुए थे ना, तो उस वक्त का ये हमें टेस्ट लगा हुआ, तो जब भी हमने यहाँ से गुजरना तो हमने टाइमिंग वही रखनी किसी काम की, बन प्लस्तर हमने यहाँ से खा। मैं जी तकरीबन अगर अपनी डाइट के मुताबिक प्लस हम एक एक्स्ट्रा बना लेते हैं, अगर दो हम दोस्त हैं तो हम 3 तैयार करवा लेते हैं। इसमें ये है कि मैं ज़रा थोड़ा सा ज़रा बट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, दैट्स वाई ज़रा अपनी खुराक ज़रा उस तरह की है, तो ये है कि 2 तो इजीली खाए जाते हैं और इसमें भारीपन नहीं है। आई मीन के जी तो जो आपको खाया ना जाए, आधे खाएंगे तो आप थक जाएंगे, इस तरह नहीं है, बड़े लाइट से बर्गर्स होते हैं इनके। स्पेशली जो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इनका ये बर्गर जो है ना बहुत ज़बरदस्त। कैमरामैन उस्मान बाजवा के साथ बुशरा भट्ट, एमरा न्यूज़, लाहौर।